नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम केवल टॉप 10 लीस्ट सेलिंग कार्स मई 2020 के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों इस वीडियो में जो भी प्राइसेस मैं कोट करूँगा वो सभी के सभी एक शोरूम कॉस्ट हैं और सभी गाड़ियों की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए हुए हैं। आपके शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं मई के महीने में सबसे कम बिकने वाली टॉप 10 कार्स के बारे में आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। इस लिस्ट में पूरे भारत में 10वें पायदान पर आई है दोस्तों फोर्ड की एस्पायर। मई के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 44 यानी कि 44 यूनिट्स बिकी हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5,99,000 रुपये से शुरू होकर 8,34,000 रुपये तक की मिल जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। इस लिस्ट में पूरे भारत में 9वें पायदान पर आई है महिंद्रा की XUV500। मई के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 36 यूनिट्स यानी कि 36 यूनिट्स ही बिकी हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 13,14,000 रुपये से शुरू होकर 17,64,000 रुपये तक की मिल जाती है। अगली गाड़ी इस लिस्ट में पूरे भारत में 8वें पायदान पर आई है दोस्तों स्कोडा की ऑक्टाविया। मई के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 32 यानी कि 32 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 36 लाख रुपए यानी कि 36 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। अगली गाड़ी इस लिस्ट में पूरे भारत में 7वें पायदान पर आई है दोस्तों फोक्सवैगन की टिगुआन। मई के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 30 यानी कि 30 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 33,12,000 रुपये यानी कि 33,12,000 रुपीस तक की मिल जाती हैं। छठी गाड़ी इस लिस्ट में पूरे भारत में छठे पायदान पर आई है महिंद्रा की KUV100। मई के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 24 यानी कि 24 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5,50,000 रुपये से शुरू होकर 7,12,000 रुपये तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 5वें पायदान पर आई है दोस्तों फोर्ड की फिगो। मई के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 17 यानी कि 17 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5,39,000 रुपये यानी कि 5,39,000 रुपीज़ से शुरू होकर 7,85,000 यानी कि 7,07,85,000 रुपये तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में चौथे पायदान पर आई है दोस्तों टोयोटा की कैमरी। मई के महीने में पूरे भारत में इस लग्जरी कार की केवल 13 यानी कि 13 यूनिट्स बिकी हैं। 13 वैसे भी बहुत ही अनलिकी फिगर होता है दोस्तों। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको केवल 37,88,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में तीसरे पायदान पर आई है दोस्तों ह्यूंडई की एलेंट्रा। मई के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 6 यानी कि 6 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 15,89,000 रुपये से शुरू होकर 20,39,000 रुपये तक की मिल जाती है। अगली गाड़ी इस लिस्ट में पूरे भारत में दूसरे पायदान पर आई है दोस्तों होंडा की CRV। मई के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 2 यानी कि 2 सिर्फ 2 यूनिट्स बिक पाई हैं। वैसे तो ये गाड़ी इंटरनेशनली बहुत ही ज़्यादा बिकती है लेकिन पता नहीं इसे इंडिया में आके क्या हो जाता है, ये गाड़ी यहाँ पर बिल्कुल भी बिकती ही नहीं है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 28,37,359 रुपये तक की मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात कर लेते हैं इस पूरे लिस्ट में नंबर 1 के पायदान पर कौन सी गाड़ी आई है। तो इस लिस्ट में पूरे भारत में नंबर 1 के पायदान पर फिर से होंडा की एक गाड़ी आई है जिसका नाम है दोस्तों सिविक। मई के महीने में पूरे भारत में सिविक की केवल एकमात्र यूनिट बिकी है।
एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 18,04,000 रुपए से शुरू होकर 21,35,000 रुपए तक की मिल जाती है। तो कुल मिलाकर ये थी वो 10 गाड़ियां जो मई के महीने में टॉप 10 लीस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में शामिल हुई हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।